महिला के साथ किया बलात्कार करने का प्रयास, महिला बाल बाल बची। जनपद संभल के बहजोई में बहजोई निवासी महिला साइकिल दुकान से खरीदने के बाद साइकिल में ताला लगाने को बोला तो साइकिल स्टोर पर रहने वाला व्यक्ति उस महिला को ऊपर की मंजिल में ले गया कि चलो वहां पर मैं ताला लगा दूंगा। जब महिला अपने बच्चे को लेकर स्टोर की दूसरी मंजिल में गई तो उस महिला की वहां पर मौजूद दूसरे व्यक्ति ने पीछे से उसके साथ हरकत करने की कोशिश की, बलात्कार करने का प्रयास किया। महिला चीखने लगी और छूट कर नीचे भागी से उस महिला ने वीडियो भी बनाई। जब कोतवाली बहजोई में शिकायत की तो उस महिला को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। महिला ने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की लेकिन महिला अभी तक इंसाफ के लिए भटक रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई कि उस महिला के घर में आग भी लगा दी जाती है जिसमें उस महिला को नुकसान का भी सामना करना पड़ा। आखिर कब मिलेगा पीड़ित महिला को इंसाफ? आपको शिकायत दी हुए कितने समय हो गया है? 6-7 दिन। अच्छा, फिर हमारे घर में आग लगा दी उन्हीं लोगों ने, तो हमने वो भी रिपोर्ट दे दी आज, तो कुछ कार्रवाई ना भई है। फिर वो पल्ली पाल्टी सीधी जो कह रही है हमने, तो थाने में रुपया बढ़ दे खूब, हमारो कुछ ना करा सकती है और तू ना करेगी राज्य से फैसला तो हम तो जान से मरवा देंगे हम तो। तो आप किसी अधिकारी से मिली नहीं, पुलिस से? हाँ, सबसे मिली मैं। वो क्या कह रहे थे? वो कहा कि जहाँ कहीं जाती हूँ तहीं बेई लोग बैठे मिलते हैं पल्ली पाल्टी के, कम में बात ना गड़न दे रहा है मेरी, आगे ही आगे चल रहा है वे, जहाँ को मिलन जाती हूँ वहीं पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका? सुफिया। क्या समस्या है आपकी? हम साइकिल दिलवाने गए इस बच्चे के तैयार, फिर हमने कही मैंने की साइकिल दे दो तो बोले साइकिल तो उन्हें पूरी खींच दी, 3200 रुपये उन्हें पूरे ले लाए। फिर हमने कही रुपया पूरे ले लाए तो भैया इसमें ताला तो लगा दो साइकिल में, बच्चा आइसक्रीम बेचन जाए कुछ करने जाए लेकर चले जाएंगे साइकिल बच्चे से कोई, तो बोलो ताले ऊपर पहले जो बोलो कि तुम्हारा नाम का है एड्रेस लिखो, पर्ची बनाई मैंने, मेरा नाम है सुखिया, कब वो सुखिया आता नहीं है तुम्हारा, वो सोमचंद्र से केस चल रहा है। मैंने की मैंने हाँ आपके कौन हो? मैंने की हम रिश्तेदार हैं उसके, वो हमारा दोस्त है। मैंने ठीक है, तो बोलो इतनी बात करो तो कर बैठो दुकान में, वो बाहर आ गए उन्हें फ़ोन करो किसी पे, फ़ोन करके एक लड़का उन्हें दुकान के ऊपर बैठा दो मंजिल पे। फिर हम फिर बोलो मैंने की तारे लगा दो, बोलो तारे ऊपर हैं बहन जी ऊपर चलो। मैंने की क्यों? मैं ना जानता, मैंने पहली बार साइकिल दे भाई, मैं कह कैसे उतारो थे मैं दे चली गई नहीं। ऊपर क्या हुआ था? ऊपर हुए उन्हें पहले से लड़का बैठा दो एक दूसरों, जैसे मैं जीना में घुसी बस जो मालिक का साइकिल वाला वो लेके गो मेरे तीन संग संग, पहले तो उन्हें करी बदतमीजी अमन नाम के ना, फिर बाने छोड़ कर मैंने कोनी मारी तो उन्हें छोड़ कर दूसरे लड़का ने कोरी और मैं गिरा ली नीचे, फिर उसकी एड़ी मेरी बिछिया गड़ गई पैर में, फिर उन्हें मुझे छोड़कर मेरी उंगली पकड़ रही कून की टिल्ली बन गई, फिर वो चौबारा अंदर बह गए, मैं वीडियो बना तो ऊपर से नीचे तक आई, फिर सारे लोग इकट्ठे बहेगा चलते फिरते, फिर बोले क्या हुआ? मैंने कि मेरे ऊपर एक लड़का ने कोरिया भर लाई और नीचे जमीन। इस मामले में थाने में शिकायत करी है? हाँ, इस मामले में। तो फिर मैं उसी टाइम थाने में शिकायत करी आपने? अपने बच्चन को लेकर एप्लीकेशन लिखवाया, तुरंत थाने गई, जब थाने वाले ने मेरी थोड़ी जब तो आए पकड़न के तैयार, फिर बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये घर में आग कैसे लगी थी? फिर घर में फिर उन्होंने 2 दिन दरोगा जी का, फिर उन्होंने दबाव डालो पुलिस वाले ने, फिर उन्होंने फैसला को कही हमसे, फैसला को उन्होंने ये कही पैसा पाई कुछ कच करेंगे नहीं। मैंने कही मुझे पैसा पाई चाहिए नहीं, उनमें दुद्दर है पटे पेल दो, उन्होंने क्यों बदतमीजी करी ऊपर चौबारा पे ले जा कर नहीं है। फिर बाकी बाद में उन्होंने कही नहीं तो थप्पड़ पेलना ना कुछ करना, तुम पे कसूर करेंगे और ज़्यादा करे तो उल्टे मुकदमा तेरे पे लिखवा देंगे हम, और देख तू ना ही कर रही है फैसला तो हम तेरे तीन देख लेंगे। तो जब ही मुझसे कह के गए तो मेरी लौट सांझ को 2:30 बजे रात के आग दे गए वे लोग, आग हाँ आग दे गए मेरे घर में। फिर हम जब सगरी टीन लाल पड़ गई, जब हम लुक उठी है, जब हम उठे हैं थाने में शिकायत नहीं की आपने? थाने में हमने तहरीक दे दी है। हम क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है अब पुलिस काफ तो कुछ नहीं कह रही है, अभी तक नहीं मुकदमा दर्ज करा है। आग भी दे दी और बदतमीजी खूब हटकर भी कर दी, और घर पे भी आ रहे हैं 4-4, 5-5 लोग हत्ता पाई करने के लिए मेरे। क्या कहते हैं घर पे आके? कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे और तुम यहाँ रह नहीं सकत, जब फैसला नहीं करोगी वो ना करोगी तो हम तुम्हें राजी राजी को राजी से कराएंगे और देंगे कुछ नहीं, नहीं उनको पिटवाएंगे ना कुछ करेंगे, तुम पे दबाओ उल्टो तुम्हें जेल भेजाएंगे हम, तुम्हें जेल जा सकती है, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी बीजेपी की सरकार चल रही है वह ना। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन। बेटा क्या हुआ था? मेरी मम्मी को ऊपर ले गए रेस्टोरेंट में और मम्मी ने ना कह रही कि तारों लगा के दे ना साइकिल में, सुबह तारों के चक्कर में ऊपर ले गए, फिर ऊपर कह रहे हैं तारों को फिर मैं एक ना कौड़िया बल रही ऊपर, फिर हमने बचाया हम क्यों क्या करें,
चिल्ला दिया आप, तब बचाया था अपनी माता जी को।